हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जो दिल्ली सरकार आला अधिकारियों का जो निवास ऑफिस है, कार्यालय है, जिसे सचिवालय कहा जाता है, आज दिल्ली होम गार्ड के जो लोग हैं बहुत तादाद के अंदर यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बोर्ड दिखा रहा हूं, दिल्ली प्रदेश में भूतपूर्व होम गार्ड की बिना शर्त पुनः वापसी के लिए विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आज से नहीं, ये धरना प्रदर्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। होम गार्ड के अंदर जहाँ पुरुष हैं वहाँ बहुत तादाद के अंदर महिला भी हैं, यहाँ जो होमगार्ड में नौकरी करती थी। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। रजनी, रजनी जी आप कहाँ से आई हैं? हम मंगोलपुरी से आई हूँ। मैंने 5 साल होमगार्ड में ड्यूटी की है। ये 5 साल कराने के बाद हमें बाहर निकाल देते हैं, धक्के दे देते हैं। अब ये नई भर्ती निकाल रहे हैं, जब हम पुराने एक्स होमगार्ड इतने सारे बेरोजगार हैं, तो हमको कम से कम हमें वापस ले। हमें वापस लेने के बाद अगर आपको जरूरत पड़ती तो नई भर्ती निकाले, लेकिन पहले हमको तो वापस ले। हमने 5 साल ड्यूटी कर ली। हम सत्येंद्र जैन जी हमको हर बार आश्वासन दे देते हैं, हम साइन कर देंगे। अब हमको 1.5 साल हो गया हमको यहाँ आते आते, लेकिन अभी तक हमारा कोई सलूशन नहीं हुआ है। हमारा कोई सलूशन करे, अगर हमें यहाँ से नहीं मिलती, हम और आगे जाएंगे, हम और वो करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमें जहाँ तक जाना होगा, चाहे हम मर जाए, लेकिन हम करेंगे आगे, जहाँ तक हमसे जाया जाएगा। 52 लेडीजों को जो वापस लिया है, उसी तरीके से हमें लिया जाए, नहीं तो हम किसी को नहीं होने देंगे। जब हमको नहीं ले रहे तो हम किसी को नहीं होने देंगे। 52 लेडीजों को किस लिए ले लेते हैं वो बार बार वापस? रजनी जी, जब आपको निकाला था, क्या आपको नोटिस दिया था या किसी तरीके से आपको कैसे निकाला गया? ये हमको कोई नोटिस नहीं देते, हमें ऐसे ही निकाल देते हैं। नई भर्ती करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, नई भर्ती करते हैं, 50,000 रुपये इस वजह से नई भर्ती निकालते हैं। जब हमने ट्रेनिंग कर रखी है, ट्रेनिंग के पैसे इनके बचेंगे, हर चीज के पैसे इनके बचेंगे, तो ये हम क्यों नहीं वापस लेते? अभी जो महिला है, जो होमगार्ड के अंदर आपने बोला कि कुछ महिलाओं को वापस ले लिया है, उनको किस शर्त पे वापस लिया है? ये हमें पता नहीं किस शर्त पे वापस लिया, लेकिन जब उन्होंने 52 लेडीज कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई उनका कोई कुछ नहीं है, उनकी कोई शर्त नहीं है, डायरेक्ट उनको ले लिया है, तो हमें क्यों नहीं ले रहे? जब हमने इतने सारे होमगार्ड हमारे बेरोजगार बैठे, तो हमें भी तो वापस ले। हमें क्यों नहीं वापस ले रहे? हमें जो करना होगा हम आगे तक जाएंगे, हमें जहाँ तक जगह मिलेगी, हम जहाँ तक पहुँचेंगे हम पहुँचेंगे। हमें जहाँ तक जगह मिलेगी, हमें पहुँचना होगा, वहाँ तक हम पहुँचेंगे, इस तरीके से रजनी जी कह रही हैं। कि आपका नाम? सर मेरा नाम सुनीता, मैं मुंडका से आई हूँ। और सर हमें 2.5 साल हो गए सत्येंद्र जैन साहब के पास पहुँचते, तो वो हर बार हमें झूठा आश्वासन देते हैं, अब की बार तुम्हारा काम हो जाएगा, अब की बार तुम्हारा। और इसीलिए 52 लेडीज पहले ली थी, तो हम क्या लेडीज नहीं है? हमें क्यों नहीं ले रहे वापसी? हम जब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हैं, हम बेरोजगार हैं, हम अपने बच्चों का कैसा पालन पोषण करें? 52 जो लेडीजों को लिया गया है, उनको किस शर्त पे लिया गया है? सर उनके सामने कोई शर्त नहीं थी, ना कोई उनका फिजिकल हुआ, ना कोई उनका रिटर्न हुआ, वापसी उनको वैसे ही ले लिया, और हमें भी वैसे ही लिया जाए जैसे उनको लिया गया है। तो जब आपको निकाला था इन्होंने, तो निकालते समय क्या आपको नोटिस दिया था या क्या आपको बर्बली बोला था? नहीं सर, हमें कोई नोटिस नहीं दिया, और उनको जैसे ले लिया, उनका टाइम बढ़ गया, तो हमारा भी बढ़ना चाहिए था। जो आपका जो डिपार्टमेंट है, जहाँ ये होम गार्ड का जो अधिकारी है, क्या आप उनके पास अपनी अपील लगाने गए थे? सर हम वहाँ पे नहीं गए, मतलब एक अधिकारी के सुनते नहीं सर वो हमारी, हम वहाँ पे जाते तो वो सुनते ही नहीं हमारी। जो आपके जो अधिकारी हैं, कमांडेंट वगैरह हैं, तो आपने उनसे तो गुहार लगाई होगी कि सर हमें क्यों निकाला जा रहा है? हम हर बार गए हैं वहाँ पे, पता नहीं हमारी कितनी एप्लीकेशन उनके पास जा चुकी है, और हर बार जो है ना सत्येंद्र जैन जी ये लिखते हैं, हमने डीजी को फॉरवर्ड कर दिया, आपके डीजी से हमें मिला नहीं है ऑर्डर, डीजी के पास फॉरवर्ड कर दिया। जी सर, हर बार यही बोलते हैं। अभी ये जो महिला, ये जो होमगार्ड से हैं, कह रही हमें बिगर नोटिस के निकाल दिया गया, आप युवा हैं, आपने कितने दिन होमगार्ड के अंदर नौकरी की? हम तो, मैं अभी 5 साल होमगार्ड्स का, इन लोगों को 5 साल में निकाल दिया जा रहा है, और एक पुलिस का ट्रेनिंग दिया जाता है इन लोगों को, तो एक किसी को आप पुलिस का ट्रेनिंग दे करके 5 साल में अगर निकाल देंगे, और फिर से ये लोग नई जो भर्ती कर रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार का बढ़ावा हो रहा है, और एक बेरोजगार व्यक्ति, बेरोजगार होमगार्ड जो बैठे हुए हैं, जो कि नए युवक लोग हैं, नए नए लोग हैं, इन लोगों को 5 साल नौकरी करा करके निकाल दिया जाता है, और इनको एक पुलिस का ट्रेनिंग दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार उपाध्याय, नेशनल होमगार्ड एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। राकेश जी, आपको जैसे आपने बताया कि नए लोगों को भर्ती कर लिया जाता है, भ्रष्टाचार होता है, क्या आप नहीं चाहते कि जो और युवा लड़के हैं वो उनकी भर्ती हैं और वो काम करें? जो पहले से ऑलरेडी है तो फिर नई भर्ती का हो सकता क्या है? मान लेते हैं कि 5 साल आप नौकरी करा रहे हैं, फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसका बाल बच्चा परिवार सब भूखे मर रहा है,
और झूठे सरकार जो सरकार बार बार आश्वासन देती है कि हम आप लोगों को वापसी ले लेंगे, इसके लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं चलता है, केवल झूठा आश्वासन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें। इनका जो परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है, बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम नरेश शर्मा है, मैं बलबीर नगर सादरा से आया हूँ। दिल्ली होमगार्ड में मैंने 7 वर्ष सेवा दी है। आपका अभी सवाल था कि क्या नए व्यक्तियों को अवसर नहीं मिलना चाहिए, मेरा एक ही जवाब है, जब 7 साल बाद हमें निकाल दिया गया तो क्या नए युवा वर्ग को फिर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? नहीं तो युवा को खुद सोचना पड़ेगा ना कि भाई अगर इनको निकाल दिया है तो हम क्यों भर्ती हो रहे हैं। हाँ, तो ये उनको भी सोचना होगा, इस डिपार्टमेंट और इस गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी धिक्कारना होगा, लानत ऐसी नीतियों पे जो युवाओं के साथ धोखा कर रही है और इन लोगों को गुमराह करके दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि आप लोगों की सुरक्षा MHA ने, माननीय MHA ने 73,000 होमगार्डों की वैकेंसी दिल्ली प्रदेश में जो है लागू की है, लेकिन यहाँ के DG कहते हैं कि मुझे केवल 10,285 की भर्ती के आदेश हैं। तो 63,000 होमगार्डों की कमी होते हुए भी दिल्ली की सुरक्षा इन्होंने दांव पे लगा रखी है। जो होमगार्ड बाहर है वो अपनी वापसी की तैयारी में बैठा है, लेकिन ये नई भर्ती नई प्रक्रिया चलाने जा रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे, नई भर्ती नहीं होने देंगे। सर आपका नाम? RP पाल। पाल जी, ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपकी जो मुख्य मांगे, वो मुख्य मांगे क्या हैं? निकाले गए होमगार्ड की वापसी, और निकाले गए होमगार्ड की जो परिवार भुखमरी के कगार पे हैं, उनको उनका अधिकार रोजगार मिले, ताकि वो नक्सलवाद और आतंकवाद के संपर्क में ना जाएं और अपना सभ्य जीवन बिताएं, समाज की और देश की सेवा कर सकें। निकाले गए होमगार्ड को उनका अधिकार मिले, इसी के लिए हम लोग अपना मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से गुहार लगा चुके हैं। वो बार बार हमें आश्वासन देते हैं कि आपकी वापसी का प्रपोजल हमने बनाया है और LG साहब से मीटिंग हो चुकी है, और अभी तक हमारी वापसी का कोई भी ऑर्डर कॉपी हमें नहीं मिला है। जब तक हमारी ऑर्डर कॉपी नहीं मिलेगी तब तक हम यहीं रहेंगे, और हमारी वापसी और अनिश्चितकालीन हमारा ये धरना चलेगा। अगर सरकार ने और महकमे ने हमारी वापसी का प्रपोजल बनाया है तो उसको, जो ऑर्डर कॉपी है उसे हमें दें और हमारी वापसी करें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारी वापसी हो और हम देश की सेवा करते हुए एक सभ्य जीवन बिता सकें, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए आए हैं। पाल जी, वो अभी आप होमगार्ड की बात कर रहे हैं तो, और एक सिविल डिफेंस का भी इन्होंने भर्ती किया, और सिविल डिफेंस को भी जो होमगार्ड काम करते थे उनसे वो सिविल डिफेंस वालों से काम ले रहे हैं। वो तो इसलिए करवा रहे हैं कि पीछे जो है इनको ऑप्शन नहीं मिला भर्ती का, क्योंकि पीछे भी हमारे पुराने साथियों ने जो 15-15 साल केस लड़े, सुप्रीम कोर्ट का भी इनको मतलब जो है गाइडलाइन मिला हुआ है कि पुराने वालों को पहले आप लें, जिन्होंने राइफल ट्रेनिंग किया हुआ है इनको पहले आप लें, उसके बाद नई भर्ती करें। 73,000 की होमगार्ड की दिल्ली में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और अभी फ़िलहाल में 10,285 ये हमारे DG साहब और महकमे की तरफ से आ रहा है, अभी भी 4,500 ही होमगार्ड सेवा दे रहे हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए होमगार्ड की सिविल डिफेंस की भर्ती कर रहे हैं, तब भी पूरी नहीं हो पा रही है, और निकाले गए होमगार्ड बार बार गुहार लगा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, फुटबॉल बना दिया इन्होंने तो, कभी उधर जाओ कभी इधर जाओ, और अभी तक इनकी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण हम लोग निराश होकर बार बार धरना करना हमें कोई वो नहीं है, लेकिन अपने अधिकार और रोजगार के लिए हम अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारा अधिकार और हमारा रोजगार, हमारी वापसी हो, जब तक हम यहीं पे रहेंगे। हमारे बीच में एक साथी और हैं जो कि जब जिसकी रोजी रोटी जाती है वो क्या से क्या नहीं करते हैं, और इनको इस्तेमाल किया जाता है, 3-5 साल इस्तेमाल करने के बाद में इनको छोड़ दिया जाता है, ना दूसरे काम के रहते हैं, ना फैक्ट्री या अन्य किसी काम को कर सकते हैं, ऐसे एक साथी और हैं होमगार्ड के। सर आपका नाम? प्रदीप कुमार। सर प्रदीप कुमार जी, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं मोतीनगर बसी दारापुर से आया हूँ। तो सर, ये आप जहाँ नौकरी करते थे वो आपका किस जगह नौकरी करते थे? सर मैं जनकपुरी करता था। जनकपुरी जनकपुरी थाने में करता था। तो सर, जब आपको निकाला गया तो क्या आपको नोटिस दिया गया था या क्या दिया गया था? सर हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया, फोन पे बोल दिया कल से ड्यूटी मत आना फोन पे। सर तो जिस समय आपको भर्ती किया जाता है तो उस समय क्या प्रक्रिया रहती है इनकी? कहते हैं कि आपको जो है लिया जा रहा है, लाइफ टाइम के लिए लिया जाएगा। हाँ। आपके बीच में रिन्यूअल होता रहेगा, लेकिन मैं सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आई कार्ड रिन्यूअल के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, हर 2-3 साल में आई कार्ड रिन्यूअल करते हैं तो इसमें भ्रष्टाचार होता है।
आई कार्ड रिन्यूअल करते हैं? जी हाँ जी रिन्यूअल करते हैं। आई कार्ड को रिन्यूअल करते हैं या व्यक्ति को रिन्यूअल करते हैं? नहीं, आई कार्ड जो होता है, जब 5 साल के लिए लिया गया है जवान, तो उसको लिए 5 साल रेगुलर आई कार्ड नहीं देंगे, उसको 2-2 साल का, 1 साल का ऐसा रिन्यूअल करेंगे, उसमें 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं, इससे भ्रष्टाचार फैलता है।